Hello everyone, welcome to Dronacharya IAS and let us start with today's The Hindu newspaper important article discussion. Right? सबसे पहले आपको front page पे ही important news दिखेगी, that is information on CAA beneficiaries is not readily available, says Ministry of Home Affairs. इसमें आपके लिए दो important major बातें रहेंगी, that is CAA and CPIO. राइट, दैट इज CPIO एंड CAA, ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे. न्यूज किस बारे में है? RTI एक्ट 2005 के अंडर RTI फाइल करी गई थी एंड इट वॉज आस्ड कि CAA जो अमेंडमेंट आप लेके आए थे सिटीजनशिप एक्ट में, हाउ मेनी ऑफ द बेनिफिशरीज हैव टेकन बेनिफिट फ्रॉम दिस एक्ट. तो आप नंबर बता दीजिए कितने बेनिफिशरीज इसके अंडर बेनिफिट ले चुके हैं. तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बोला है दैट वी वर नॉट मैंडेटेड टू कीप दिस डाटा. तो CPIO इज नॉट अथोराइज्ड. CPIO That is Central Public Information Officer. हर एक डिपार्टमेंट में CPIOs को अपॉइंट किया जाता है. इन केस अगर कोई भी RTI एक्ट के अंदर कोई भी आपसे इंफॉर्मेशन मांगी जाती है तो CPIO is designated to provide that information. CPIO का काम है कि वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा उस डिपार्टमेंट से. ठीक है, तो यहां पर MHA ने क्या बोला है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, दैट CPIO इज नॉट अथोराइज्ड टू क्रिएट इंफॉर्मेशन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्या यहां पर बात घुमाई गई है कि जो आपके डाटा है, जितने लोग यहां पे बेनिफिशरीज हैं उनका डाटा हमने मेंटेन ही नहीं किया. राइट, वी वर नॉट एडवाइज्ड, वी वर नॉट मेंट टू मेंटेन अ रिकॉर्ड ऑफ दीज नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव्ड अंडर द CA. तो यहां पर कोई भी हमारे पास डाटा है ही नहीं. और CPIO, दैट इज राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंदर भी हम ये बोल सकते हैं दैट CPIO आर नॉट मैंडेटेड टू क्रिएट इंफॉर्मेशन, दे आर जस्ट मैंडेटेड टू प्रोवाइड सम इंफॉर्मेशन. ठीक है, तो यहां पे वो अपने आप से क्रिएट करके इंफॉर्मेशन दे नहीं सकते. अगर डाटा उनके पास है ही नहीं तो वो आपको इंफॉर्मेशन कैसे प्रोवाइड कर देंगे? तो ये इंफॉर्मेशन हम आपको नहीं दे सकते. That is why, क्योंकि यहाँ पे एक मेन रीजन ये भी है कि CPIO जो है वो अगर या तो उसका इन्फॉर्मेशन देने का फर्ज बनता है और अगर उसके पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं है तो उसको रीजन प्रोवाइड करना होता है कि इस रीजन की वजह से हम आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते. तो यहाँ पर CPIO ने यही इन्फॉर्मेशन दिया है कि दिस डाटा वॉज नॉट मेंटेन्ड, दिस रिकॉर्ड वॉज नॉट मेंटेन्ड. Although यहाँ पर यही क्रिटिसिज्म में यही बताया गया है कि सेवरल टाइम्स वेरियस मिनिस्टर्स हैव क्लेम्ड कि 30,000 बेनिफिशरीज इसके अंडर बेनिफिट ले चुके हैं एंड सर्टेन डाटाज हैव बीन रैंडमली सेड. लेकिन फिर इसके बाद अगर जब क्वेश्चन पूछना चाहें, अब आपने एप्लीकेशन देखी है तो इसमें आप ये बोल रहे हैं कि आपके पास डाटा नहीं है. सो ये थोड़ा सा आपका पैराडॉक्स यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है. ऑल्दो हमारे लिए CAA 2019 दिस एक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि रिसेंटली इसमें अमेंडमेंट्स भी किए गए हैं, रिसेंटली इसमें थोड़ी गाइडलाइंस भी आई हैं आपकी, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा फ्रॉम पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू, GS पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा ये. राइट, तो CA में एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि जो भी इलीगल माइग्रेंट्स हैं फ्रॉम अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, फ्रॉम कम्युनिटीज बिलोंगिंग टू हिंदू सिख, राइट, एंड हिंदू सिख जैन बुद्धिस्ट पारसी, ये कम्युनिटीज. तो इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि मुस्लिम कम्युनिटी इसमें एग्जेम्प्ट करी है, मुस्लिम कम्युनिटी को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है. सो दैट इज वाई इसके अगेंस्ट बहुत सारे प्रोटेस्ट भी हुए थे. राइट, प्रोटेस्ट भी हमें बहुत सारे देखने को मिले थे. तो CAA एक्ट सिटीजनशिप देती है ऐसे इलीगल माइग्रेंट्स को जो इन तीन नेशन से बिलोंग करते हैं और जो मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करते हैं. ठीक है, तो इन लोगों को बहुत सारे रिलैक्सेशंस भी दिए गए हैं सिटीजनशिप एक्ट के अंदर कि जैसे अगर नॉर्मल किसी फॉरेनर को आप 11 ईयर रेजिडेंसी के बाद सिटीजनशिप देते हैं, इसमें आप 6 साल के बाद भी सिटीजनशिप दे सकते हो. और यहां पे लेकिन ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बात रहेगी कि आपके पास यहां पे कोई भी जो आपकी एक्ट्स है जैसे फॉरेनर एक्ट है, पासपोर्ट एक्ट है, वो भी यहां पे लागू नहीं होती है इन इलीगल माइग्रेंट्स के क्योंकि इनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं है ट्रैवलिंग के. इसी तरीके से हम इनको इलीगल माइग्रेंट बोल देते हैं. तो इस न्यूज की वजह से आपके लिए CAA 2019 एंड RTI information, that is Right to Information Act 2005 important ho jayega. Theek hai ji, let's move on to the next news. Okay, theek hai ji, yahan pe aapke paas aata hai tele mental health assistance to reach Puducherry soon. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप इसको किसी भी आंसर में एग्जाम्पल की तरह यूज़ कर सकते हैं. जहाँ पर आपके पास आए मेंटल हेल्थ के रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए, डिप्रेशन एंग्जाइटी जो यूथ में बढ़ रही है उसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन आए, आप इसको एज एन एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हो. जहाँ पर आपसे पूछा जाता है ना गवर्नमेंट इनिशिएटिव, तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव में ऐसी न्यूज़ ही आपके लिए काम आती हैं. ठीक है, इस ये न्यूज़ ओवरऑल आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि इस न्यूज़ में क्या है, बिकॉज इसमें सर्टेन डाटा दिया गया है कि कौन डिप्रेशन से, कितने लोग डिप्रेशन से ग्रसित है, कितने लोग स्ट्रेस में है,
हैं, कितने लोग एंग्जाइटी में हैं, कितने सैड मूड में हैं, वो डाटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव ले रही है। यस, डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम्स भी चल रहे हैं, टेलीमेनस पोर्टल भी आपका यहाँ पे चल रहा है। तो आइए देखते हैं टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंस टू रीच पुडुचेरी सून। यहाँ पे बात हो रही है आपकी टेली मानस, दैट इज मेंटल हेल्थ असिस्टेंस नेटवर्किंग एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट्स। तो ये लगभग लगभग आपके मोर देन 30 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में फिलहाल ये लागू की जा चुकी है, एंड नाउ इट इज अवेलेबल इन पुडुचेरी एंड लक्षद्वीप एज वेल। ठीक है, अब इसमें प्रोवाइड क्या करते हैं, इसमें हम प्रोवाइड करते हैं मेंटल असिस्टेंस, मेंटल हेल्थ असिस्टेंस। वेरियस काउंसलर्स एंड मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट हैव बीन असाइंड टू टेक अप कॉल्स। अगर यहाँ पे नंबर देख लीजिए आप 14416, इस ये नंबर प्रोवाइडेड है, दिस इज मेंटल हेल्थ असिस्टेंस 24/7 ये आपकी हेल्पलाइन चालू रहती है। तो इसमें आप कॉल कर सकते हैं एंड यू कैन अवेल द बेनिफिट्स ऑफ मेंटल हेल्थ असिस्टेंस। बिकॉज मेजरली क्या है, ये उन लोगों के लिए लगाई गई थी, ये उन लोगों के लिए अवेलेबल करवाई गई है जो बहुत दूर दराज एरिया में रहते हैं, जिनके पास मेंटल हेल्थ एक्सेस नहीं होता, बिकॉज साइकाइट्रिस्ट एवरीवेयर आर नॉट अवेलेबल, राइट। तो दैट इज वाई दिस सर्विस हैज बीन स्टार्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इसको 2022 में स्टार्ट किया था और ये बहुत सारी स्टेट्स में अभी जा चुकी है, एंड नाउ यूनियन टेरिटरीज में लक्षद्वीप एंड पुडुचेरी विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट, राइट। देर आर 6 रीजनल सेंटर्स, अगर आप देखेंगे यहाँ पे देर आर 6 रीजनल सेंटर्स न्यूज में आपको दिया गया है। ओके जी, देर आर 34 स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज, 20 लैंग्वेजेस यहाँ पे इसमें अवेलेबल है, आप किसी भी भाषा में इसमें आप बात कर सकते हैं इनसे। एंड अगर हम बात करें ग्लोबली, टेलीमानस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट डिप्लॉयमेंट ऑफ अ डिजिटल फोन बेस्ड मेंटल हेल्थ इनिशिएटिव अक्रॉस द वर्ल्ड। ये बहुत लार्ज इनिशिएटिव लिया गया है, एंड देर आर 23 मेंटल हेल्थ सेंटर्स है, 6 इसमें रीजनल सेंटर्स हैं, 23 मेंटल हेल्थ सेंटर्स हैं जो आपके काम करते हैं इसमें। एंड इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस, दैट इज NIM हंस इज द नोडल सेंटर फॉर दिस, एंड देन IIIT बेंगलुरु इट इज हेल्पिंग इन द टेक्नोलॉजी पार्ट। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, एज एन एग्जाम्पल अगर मेंटल हेल्थ का नाम आए तो आप टेली मानस का नाम ले सकते हैं, और साथ साथ आप एक और एग्जाम्पल दे सकते हैं जिसमें आता है आपका डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम DMHP, राइट, डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम इसमें भी क्लब किया गया है, तो यहाँ पे 2 tier में इसको बनाया गया है आपके, एक तो टेलीमानस सेल्स बनाए गए हैं, एंड इसमें साथ में tier 2 में DMHP दैट इज डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम को इसमें क्लब किया गया है। तो यहाँ पे वेलनेस सेंटर्स भी बनाए गए हैं और इस प्रोग्राम के अंदर ये चल रहे हैं। ठीक है जी, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज। ओके जी, इम्पॉर्टेंट, कल भी हमने डिस्कस किया था, तो जिसने कल वाली वीडियो नहीं देखी है वो पहले कल वाली वीडियो देखे, तभी आज वाली वीडियो आपको समझ में आने वाली है। इट इज़ रिगार्डिंग आसियान। तो येस्टरडे वी हैव डिस्कस्ड दैट 21st इंडिया आसियान समिट हैज़ बीन टेकिंग प्लेस, राइट। आपके यहाँ पे आप एक साथ में ईस्ट एशिया समिट भी हुई है, तो आसियान इंडिया समिट हैज़ टेकन प्लेस, उसमें क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं ये आज के न्यूज़ में डिस्कस किया गया है। तो आज की न्यूज़ में 2 मेमोरेंडम्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। सबसे पहले तो हम डिजिटल इन पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करेंगे, साथ में नॉलेज, स्किल, एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर एंड क्लाइमेट चेंज, इन पे तो हम हेल्प करेंगे ही आसियान नेशंस की। साथ में वी हैव साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप। टू साइड्स इश्यूड अ जॉइंट स्टेटमेंट ऑन कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप, किसके लिए, PSP, आप ऐसे याद कर सकते हो PSP, दैट इज पीस स्टेबिलिटी एंड प्रोस्पेरिटी के लिए रीअफर्म किया गया है, दैट पीस, सिक्योरिटी, मैरिटाइम नेविगेशन, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, राइट, ये सारा हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। पीस को प्रमोट करेंगे, स्टेबिलिटी मेंटेन रखेंगे, मैरिटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इज इंपॉर्टेंट, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंड ओवरफ्लाइट इन दिस रीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू मस्ट बी नोइंग दैट आसियान इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया बिकॉज इट गिव्स अस एक्सेस टू द इंडो पैसिफिक रीजन, सो दैट इज वाई आसियान इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आसियान नेशंस के साथ हमने कोलैबोरेट किया है, सबसे
पहला कोलैबोरेशन है डिजिटल पब्लिक हेल्थ पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, जस्ट लाइक जैसे इंडिया में अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज के बेस पे बनाया है आधार बनाया है, साथ में हमने UPI पेमेंट्स के को शुरू किया है एंड इट हैज बीन अ सक्सेसफुल मॉडल इन इंडिया। तो इसको रेप्लीकेट करेंगे कहाँ पर, आशियान नेशंस में उसमें हेल्प करेंगे, साथ साथ एजुकेशन में हेल्प करने वाले हैं, हेल्थ केयर में, एग्रीकल्चर में एंड क्लाइमेट चेंज में भी हेल्प करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे लिए कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विल ऑल्सो बी वेरी इंपॉर्टेंट। और आगे डिस्कशंस इसमें हुए हैं, हमने कल भी डिस्कस किया था दैट मेजर डिस्कशन यहाँ पे क्या होगा, एक तो म्यांमार में जो मिलिट्री कू हुआ था, साथ में वहाँ पर जो आपकी मिलिट्री जो हार रही है, रीजनल जो एथनिक ग्रुप्स हैं उनसे हार रही है, साथ में साउथ चाइना सी में जो डिस्टर्बेंसेज हैं, चाइना और फिलीपींस के बीच में जो डिस्टर्बेंसेज हैं उसके रिगार्डिंग यहाँ पे बात है, बिकॉज फिलीपींस इज अ मेंबर ऑफ आशियान, ठीक है। तो उसका डिस्कशन हुआ है, साउथ चाइना सी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया ऑल्सो, कनेक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो आशियान एज अ फ्रेमवर्क एज अ बेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। तो डू साइड्स एग्रीड ऑन सपोर्टिंग कोलैबोरेशन इन डेवलपमेंट ऑफ नेसेसरी नॉलेज देंगे, स्किल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिस्क मैनेजमेंट एंड साथ में हम डिजिटल सॉल्यूशंस, इनोवेशन, फिनटेक सॉल्यूशंस, फाइनेंशियल सॉल्यूशंस ये सब प्रोवाइड करेंगे। तो आपको सिर्फ यहाँ पे दो बातें मेजर ध्यान रखनी है, नंबर वन इज डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सेकंड वन इज कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन द केस ऑफ पीस, स्टेबिलिटी एंड प्रोस्पैरिटी इन इंडो इन द रीजन ऑफ आशियान नेशंस, इंडो पैसिफिक रीजन में भी ये हमें फिर एक्सेस हेल्प करेगा इन द मैरिटाइम सेफ्टी एंड द नेविगेशन, ठीक है। तो इस तरीके से आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे 10 मेंबर नेशंस आपको दिए गए हैं, ये हमने कल वाली वीडियो में भी कवर किया था, यहाँ पे किसको एक क्विक रीड आप दे सकते हैं, ठीक है जी। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, यस वेरी इंपॉर्टेंट, अभी डेली हम डिस्कस कर रहे हैं सम नोबेल प्राइज, तो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। तो ये पहली ऐसी कोरियन है, शी इज द फर्स्ट कोरियन टू रिसीव नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, हर नेम इज हान कांग, ठीक है, हर नेम इज हान कांग एंड शी हैज रिसीव्ड दिस नोबेल प्राइज इन द केस ऑफ फॉर हर इंटेंस पोएटिक प्रोज दैट कन्फ्रंट्स हिस्टोरिकल ट्रॉमाज एंड एक्सपोज द फ्रेजिलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि कैसे पास्ट के जो ट्रॉमाज हैं, जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, वो आपके कैसे प्रेजेंट ह्यूमन लाइफ पे इम्पैक्ट डालते हैं, इसके अराउंड इन्होंने रिवॉल्व किया है। साथ में इनको ऑलरेडी आपको 2016 में मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज भी मिल चुका है वेरियस बुक्स के लिए, ठीक है। तो अब इनके लिए आपके पास इनका नाम इंपॉर्टेंट है एंड ये आपको ध्यान देना है कि कॉन्जिक्यूटिवली दो साल से यूरोपियन जो राइटर्स हैं उनको नोबेल प्राइज मिल रहा था, बट दिस ईयर दे हैव डिसाइडेड टू गिव इट टू द एशियन, राइट, दे हैव मूव टुवर्ड्स द एशिया, दे हैव मूव टुवर्ड्स द ईस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ईस्ट साइड ऑफ द वर्ल्ड एंड शी इज द फर्स्ट कोरियन टू विन द नोबेल प्राइज इन द लिटरेचर दैट कन्फ्रंट्स द हिस्टोरिकल ट्रॉमाज एंड इनविजिबल सेट्स ऑफ रूल्स एंड ईच ऑफ हर वर्क्स। तो ये वुमेन के अराउंड भी सर्कुलेट करती हैं अपनी राइटिंग्स को कि वुमेन के ऊपर पास्ट का क्या एक्सपीरियंस रहता है, क्या कैसे उनके जो लाइफ डिसीजंस हैं, कैसे पेट्रियार्की उसके ऊपर इन्फ्लुएंस डालती है, इसके अराउंड इन थीम्स के अराउंड इनका सारा लिटरेचर वर्क रिवॉल्व करता है और इसी के लिए इनको क्या मिला है आपका नोबेल प्राइज, दैट इज फॉर हर इंटेंस पोएटिक प्रोज दैट कन्फ्रंट्स हिस्टोरिकल ट्रॉमास एंड एक्सपोजेस द फ्रेजिलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, राइट। ओके जी, दिस आर्टिकल दैट इज AI generated medical images, a new frontier or potential pitfall. ये साइंस का एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अभी नोबेल प्राइज भी मिल रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। इसमें कुछ सर्टेन मॉडल्स आपसे बात किया गया है, यहाँ पे सर्टेन मॉडल्स दिए गए हैं, तो डिफ्यूजन मॉडल जैसे आपसे आपके यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, GAN मॉडल देखने को मिलेगा, VAN मॉडल देखने को मिलेगा। तो इन सब में मेजर फोकस किस बात पे है कि जो हेल्थ सेक्टर है वहाँ पर हम कैसे आर्टिफिशियली जनरेटेड इमेजेस को यूज कर रहे हैं, राइट। तो इसमें कुछ कंसर्न्स दिखाए गए हैं, पहले सारे मॉडल्स के बारे में बात करी गई है, देन लेटर ऑन कुछ कंसर्न्स दिखाए गए हैं कि जो अगर हेल्थ सेक्टर में हम ये आर्टिफिशियली जनरेटेड डाटा जो हम यूज कर रहे हैं, इमेजेस यूज कर रहे हैं, ये लेटर ऑन क्या हमें हार्म भी कर सकती हैं या नहीं, इसके बारे में ये पूरा आर्टिकल है। सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि ये इमेजेस कैसे बनती हैं। अगर हम रियल लाइफ में देखें, रियल टाइम में देखें, तो जो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन एनाटॉमी है, उसके इमेजेस हमें कैसे मिलती हैं, हमें MRI से मिलती हैं, एक्सरेज से मिलती हैं, CT स्कैन से मिलती हैं, उसके थ्रू हम इसको स्टडी करते हैं। तो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो मशीन लर्निंग है उसमें हम डाटा फीड करते हैं थ्रू वेरियस मॉडल्स, देयर आर डिफरेंट
डिफरेंट मॉडल्स, राइट? आपको उनके बारे में ज्यादा डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है बिकॉज दे आर वेरी टेक्निकल पार्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में. तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम कुछ डाटा फीड करते हैं, या तो एक रैंडम डाटा फीड करेंगे, बहुत सारा डाटा फीड कर देंगे इन द फॉर्म ऑफ इमेजेस, ह्यूमन बॉडी की ही इमेजेस. हम हेल्थ सेक्टर का ही बात करेंगे तो ह्यूमन बॉडी की जो इमेजेस हैं वो उसमें भरी जाती हैं, उसको फीड करी जाती हैं, जिसकी वजह से वो मशीन लर्निंग न्यूरल नेटवर्क्स की हेल्प से क्या करेगा, उसको स्टडी करेगा, उस इन्फॉर्मेशन को गेन करेगा. एंड देन व्हेन वी आस्क फॉर सम इन्फॉर्मेशन कि आप हमें ये सर्टेन डाटा प्रोवाइड कीजिए, वो उन इमेजेस में से ही आपको एक इमेजेस आर्टिफिशियली जनरेटेड इमेज जस्ट लाइक रियल इमेज, ठीक है, वो आपको प्रोवाइड कर देगा. ये हेल्प किस में करता है कि मान लो आपके पास कोई इनकम्प्लीट आपके पास कोई इमेज है उसको कंप्लीट करके दे सकता है. साथ में आपको एक और हेल्प कर सकता है बिकॉज ऑफ द प्राइवेसी ऑफ पेशेंट्स दीज इमेजेस आर नॉट रेडिली अवेलेबल, है ना. जो रियल टाइम इमेजेस हैं वो आपको रेडिली अवेलेबल नहीं होती हैं. And they are also costly, they are also time consuming, ठीक है. तो इन सब की वजह से क्या होता है कि जो आपके images हैं they are not readily available. तो उन images की deficiency में बहुत सारी ऐसी information है जो इंसानों जो आम जनता को पता नहीं चलती है, या आप उसमें बहुत ज़्यादा health में उसमें investment नहीं कर पाते हो. तो that is why artificial intelligence will be helping you in such cases जिसमें आपको images चाहिए, images को help करेगा, images को modify करेगा, artificially उसको modify करके आपको प्रोवाइड कर देगा. अब यहां पे बहुत सारे इसमें कंसर्न्स दिखाए गए हैं, कंसर्न्स आइए हम डिस्कस कर लेते हैं. तो यहाँ पे आपको इस एरिया में यहाँ पे आपको बहुत सारे मॉडल्स मिलेंगे, जैसे कि आपको जनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क्स मिल रहे हैं, डिफ्यूजन मॉडल मिल रहे हैं, ऑटो एनकोडर्स मिल रहे हैं. ये आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ही मॉडल्स हैं जिसमें इमेज को या किसी नॉइस को, जैसे टीवी जब खराब हो जाता था पुराने जमाने का, जब टीवी खराब हो जाता था तो एक बहुत फटे हुए पिक्सल्स दिखते थे, उसको यहाँ पे हम इस टर्म में नॉइज बोलते थे. तो कोई भी नॉइजी कोई इमेज जो पिक्सल्स इधर उधर अरेंज करके हम आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रोवाइड करते हैं, वो प्रोवाइड जो अब वो उस इमेज से कुछ नई इमेज बना लेता है जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसको हम बोल देते हैं डिफ्यूजन मॉडल. तो इस टाइप के यहां पे आपको मॉडल्स दिखाए गए हैं. अब इसमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या रहेगा कि इसमें चैलेंजेस क्या हैं, राइट? लेट अस डिस्कस सम चैलेंजेस. ओके जी, जस्ट अ सेकेंड. सबसे पहले क्या है, सिंथेटिक डाटा जो एल्गोरिदम जो हम इसमें डाटा फील कर रहे हैं उसके कुछ मेलिशियस एप्लीकेशन भी हो सकती है, जस्ट लाइक डीप फेक्स. डीप फेक्स में इनपर्सोनेट इंडिविजुअल पेशेंट्स इंट्रोड्यूसिंग क्लिनिकल फाइंडिंग्स दैट डू नॉट एग्जिस्ट. क्योंकि क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ से जो इमेज बन रही है मे भी ऐसा हो सकता है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है. तो इससे क्या नुकसान हो सकता है, आप हेल्थ इंश्योरेंस में फॉल्स क्लेम ले सकते हो, ठीक है. सबसे बड़ा जो इसमें डीप फेक में एक हार्म हमें दिख रहा है, तो फाइनेंशियल जो हेल्थ इंश्योरेंस है उसमें आप फॉल्स क्लेम देख सकते हो इन द फ्यूचर. देन दूसरा क्या बोल रहे हैं, सिंथेटिक जो इमेजेस आप बना रहे हो, सिंथेटिक इमेज मतलब क्या कि जो रियल में एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है. सिंथेटिक इमेज माइट लैक द कॉम्प्लेक्सिटी एंड न्यूएंसेस ऑफ रियल वर्ल्ड मेडिकल डाटा, कि उसने अपनी तरफ से जो उसको हमने डाटा प्रोवाइड किया उसके बेस पे उसने ये इमेज बना दी है. तो इट माइट बी पॉसिबल कि ऐसा सच में ना हो, रियल वर्ल्ड में ऐसा ना हो, कोई और प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से जो हेल्थ में आप इनिशिएटिव लेने वाले हो उसमें आपको फॉल्स इंफॉर्मेशन भी दी जा सकती है. और लेटर ऑन बस इसमें एक और चैलेंज बताया गया है कि जब आपके पास बहुत ज्यादा आर्टिफिशियली जनरेटेड इमेजेस हो जाएंगे, बिकॉज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, वो अपने आप से भी सीखता है, मशीन लर्निंग जिसको हम बोलते हैं. तो वो जितनी इमेजेस हम उसको बोलेंगे क्रिएट करने के लिए उनसे भी वो सीखेगा. और क्या एक टाइम पे ऐसा भी हो सकता है कि उसके पास रियल कोई इमेज इंफॉर्मेशन के लिए बचे ही ना, वो अपने ही इमेजेस को जो हम उससे रेडिली मांग रहे हैं उसके बेस पे ही हमें वो डाटा प्रोवाइड करता रहे, ऐसा भी हो सकता है, राइट? सो दिस इज ऑल्सो अ चैलेंज फॉर अस. यहां पे देखो, एज सिंथेटिक मेडिकल इमेजेस बिकम मोर प्रिवेलेंट द डिस्टिंक्शन बिटवीन व्हाट इज रियल एंड व्हाट इज जनरेटेड मे ब्लर एंड मेकिंग इट हार्डर फॉर मेडिकल प्रोफेशनल टू ट्रस्ट एआई डायग्नोस्ड सोलली ऑन द सिंथेटिक डाटा. तो इससे फिर ट्रस्ट इश्यूज आ जाएंगे. एंड सपोज AI सिस्टम आर ट्रेंड एक्सक्लूसिवली ऑन सिंथेटिक मेडिकल इमेजेस, किसी AI को हमने सिंथेटिक मेडिकल इमेज पे ही ट्रेन किया हुआ है, तो उससे रियल टाइम जो आपका प्रिवेंशन है उससे हम नहीं बच पाएंगे, उसमें दिक्कतें आएंगी. तो इसमें बस क्या सोल्यूशन दिया है, कोलैबोरेटिव सोल्यूशन दिया गया है कि आप कोलैबोरेशन कीजिए, जो आपके मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं उनको कोलैबोरेशन करना चाहिए. किसके साथ, आपके जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इंजीनियर्स हैं, AI इंजीनियर्स हैं, उनके साथ उनको कोलैबोरेट करना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए व्हाट काइंड ऑफ
इमेजेस, व्हाट काइंड ऑफ डाटा वी नीड टू फीड इट, एंड ये जो आपका डीप फेक है इससे कैसे बचा जा सकता है. और साथ में जब हम इतनी ज्यादा इमेजेस इस पे इससे हम मांग लेंगे तो ऐसा जो प्रिवेलेंसी ऑफ फेक इमेजेस है उसकी वजह से क्या रिपरकशंस आ सकते हैं वो भी डिस्कस करना है. एंड रियलिटी इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, इसको आप अपने आंसर्स में यूज कर सकते हो. रियलिटी इज वेरी डिफरेंट देन दी फिक्शन. सिंथेटिक इमेजेस वॉन्ट बी एबल टू जनरेट दोज स्ट्रेंज रियलिटीज, जो स्ट्रेंज रियलिटीज, बिकॉज हर दूसरे दिन, हर कोई नए साल में नई नई बीमारियां पता चलती हैं जो आज तक AI ह्यूमन को ही नहीं पता है. AI उसको कैसे डिटेक्ट कर पाएगा? ऑल्दो नोबेल प्राइज हमें मिला है इसमें, प्रोटीन स्ट्रक्चर को डिटेक्ट करने में हमें मिला है नोबेल प्राइज, राइट, बट उसको आने में भी बहुत टाइम लगेगा. तो तब तक जो AI जनरेटेड कंटेंट है उससे कैसे बचा जा सकता है, क्या उसमें इंप्रूवमेंट की जा सकती है, दैट इज इंपॉर्टेंट. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज डिस्कशन. इस आर्टिकल में आपके लिए इतना ही इंपॉर्टेंट था. सो कीप रीडिंग द न्यूज़पेपर, यू योरसेल्फ ऑल्सो हैव टू रीड द न्यूज़पेपर. वो बस वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, आपको अपनी न्यूज़पेपर खुद से भी पढ़ना है, एंड देन आप वीडियो की हेल्प लीजिए. सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.